Hi, today we are going to discuss the question reverse a stack without using an extra space. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपनी स्टैक को कैसे रिवर्स कर सकते हैं. तो हमारे पास एक स्टैक गिवन है 1, 2, 3, 4. तो हमें उस स्टैक को रिवर्स करना है 4, 3, 2, 1 में. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम इसको एक्स्ट्रा स्पेसेस की हेल्प से कैसे इसको हम रिवर्स कर सकते हैं. तो एक बेसिक अप्रोच तो हमारी ये है कि हम एक नई स्टैक बना दें और टॉप से हम उसमें एलिमेंट डालते जाएं. जैसे सबसे पहले हमने नई स्टैक बनाई, उसके अंदर सबसे पहले हमने 4 डाल दिया. ये हमारी ओरिजिनल स्टैक थी, तो उस टॉप एलिमेंट लिया हमने, टॉप एलिमेंट को नई स्टैक में डाल दिया और इसका ये एलिमेंट उड़ा दिया, इस एलिमेंट को उड़ा दिया. उसके बाद हमने नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, नेक्स्ट एलिमेंट को नई स्टैक के अंदर डाल दिया. उसके बाद इस वाले एलिमेंट को हमने रिमूव कर दिया. उसके बाद हम इस एलिमेंट पे आए, इस एलिमेंट को हमने अपनी नई स्टैक के अंदर डाल दिया. फिर हमने इस एलिमेंट को भी रिमूव कर दिया. इसके बाद हम इस वाले एलिमेंट लास्ट एलिमेंट को इस स्टैक के अंदर डाल दिया, 1 को नई स्टैक के अंदर डाल दिया. उसके बाद हमने उसको इस एलिमेंट को भी रिमूव कर दिया जब तक हमारी स्टैक नल नहीं हो जाती तब तक. बट हम इसे करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस. तो हम इसे एक्स्ट्रा स्पेस की हेल्प, विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो उसकी अप्रोच क्या रहेगी? स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट. हमने अपनी जो भी स्टैक को स्टोर करवाया हुआ है उसे हम एज ए लिंक लिस्ट स्टोर करवा लें. इसका हमें बेनिफिट क्या होगा? तो सपोज करो कि हमें एक लिंक लिस्ट गिवन थी, तो हम अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते थे? तो हम अपनी एक सिंगली लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते थे? तो सबसे पहले हम 3 पॉइंटर ले लेते थे इसमें, प्रीवियस, करंट एंड नेक्स्ट. करंट को हम स्टार्ट कर देते थे हमारे हेड पॉइंटर से, और जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता था तब तक हम ट्रेवर्स करते जाते थे. सबसे पहले हम नेक्स्ट के अंदर हमारा स्टोर कर लेते थे करंट का नेक्स्ट. उसके बाद हम क्या करते थे, करंट जिसको भी आगे पॉइंट कर रहा है उसका लिंक ब्रेक करके उसको हम प्रीवियस से पॉइंट कर देते थे, जिसको भी प्रीवियस पॉइंट कर रहा है. इनिशियली तो ये पॉइंट कर रहा था नल को, NULL. इनिशियली हमारा ये नल को पॉइंट कर रहा था, ये वाला लिंक हम ब्रेक कर देते थे. उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम अपने प्रीवियस को आगे ले जाते थे. यहाँ पे हम अपने प्रीवियस को ले जाते थे उसके बाद हम अपने करंट को भी अपडेट कर देते थे. हमारा करंट आ जाता था जहां पे हमारा नेक्स्ट है. जब तक करंट हमारा नल नहीं होता हम आगे प्रोसीड करते रहेंगे. अब हम नेक्स्ट के लिए कैसे प्रोसीड करेंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट पॉइंटर था उसको हमने यहाँ पे ले आए करंट के नेक्स्ट में. करंट हमारा 2 को पॉइंट कर रहा था तो हम उसको ले आए 2 के नेक्स्ट में, यानी कि 3 पे. अब ये 3 के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो उसके बाद हमने 2 का 3 के साथ लिंक ब्रेक कर दिया और 2 को हमने कनेक्ट कर दिया प्रीवियस के साथ. प्रीवियस पॉइंट कर रहा था 1 को. उसके बाद हम अपने प्रीवियस को अपडेट कर देते थे करंट पे और हमारे करंट को हम रिमूव करके नेक्स्ट पे ले आते थे. यहाँ पे हमारा आ जाता था देन करंट. ऐसे ही हम अब हम नेक्स्ट को यहाँ पे ले आएंगे. पहले नेक्स्ट को 3 का 4 के साथ लिंक ब्रेक कर देंगे, 3 को उस कनेक्ट कर देंगे उसके प्रीवियस के साथ और हम देन दोनों को अपडेट कर देंगे, प्रीवियस को और उस अपने करंट को नेक्स्ट पे. ऐसे हमारी लिंक लिस्ट पूरी रिवर्स हो जाती थी विदाउट यूजिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस. यही अप्रोच हम यूज करने वाले हैं हमारी स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट के अंदर. तो इसीलिए इसका फायदा यही हुआ स्टैक को एज ए लिंक लिस्ट स्टोर करवाने के लिए. जो भी हमने उसको अपने अंदर वैल्यू स्टोर करवानी थी उसको हमने एज ए लिंक लिस्ट स्टोर करवा लिया. तो 1, 2, 3, 4 था हमारे पास. तो हम अपने अभी अप्रोच देखी कि हम उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं लिंक्स ब्रेक करके. इसको हम अपने प्रीवियस के साथ अटैच कर देते हैं और ये पॉइंट करने लग जाएगा नल को. पहले नल लिंक ब्रेक करते चलेंगे और उसको उसके प्रीवियस के साथ पॉइंट कर देंगे. उसके बाद अपने
प्रीवियस और करंट पॉइंटर को अपडेट करते जाएंगे, तो इससे हमारी लिंक लिस्ट पूरी रिवर्स हो जाएगी और हम अपनी स्टैक की जो भी वैल्यूज थी उसको हम एज अ लिंक लिस्ट स्टोर करवा रहे हैं, तो उससे हमारी स्टैक भी रिवर्स हो गई विदाउट यूजिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस। हम अपनी और एक बात और, हम अपनी स्टैक को प्रिंट हमेशा टॉप से ही करवाते थे, जैसे सबसे पहले हमारा टॉप प्रिंट होता था, उसके बाद हम अपने टॉप को डिलीट कर देते थे, उसके बाद फिर से हम अपने फंक्शन को कॉल करते थे, फिर हमारा ये टॉप प्रिंट होता, उसके बाद फिर हम इसको भी डिलीट कर देते और फिर हमारा ये प्रिंट होता, फिर हमारा ये प्रिंट होता, इसीलिए ये रिवर्स ऑर्डर में ही प्रिंट होती है स्टैक हमारी, तो इसीलिए ये 4321 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर हमने स्टैक को रिवर्स कर दिया तो हमारी रिवर्स स्टैक कैसे प्रिंट होगी 1234 में। अब इसका हम एक बार कोड देख लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम अपनी क्लास बनाई हुई है जो हमारी लिंक लिस्ट को स्टोर करवाएगी, लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद ये हमारा स्टैक, तो उसके बाद हमने क्लास बनाई हुई है स्टैक नाम से, जो भी हमारा स्टैक का स्ट्रक्चर रहता है, तो उसके अंदर हमने क्या करते हैं, एक टॉप वेरिएबल रहता है और हमारा एक पुश फंक्शन रहता है और उसके बाद हमारा एक पॉप फंक्शन रहता है, और उसके बाद ये नोड्स को डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद हमें हमारा रिवर्स फंक्शन परफॉर्म करना था, तो मैं जैसा कि मैंने बताया था कि हम अपनी स्टैक अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम तीन नोड्स बना लिए, प्रीवियस करंट और नेक्स्ट। हमने अपने जो करंट है उसको हमने स्टार्ट किया है सेकंड एलिमेंट से, और जो हमारा प्रीवियस है उसको हमने स्टार्ट किया है हमारे फर्स्ट एलिमेंट से, और प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दिया नल, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है रिवर्स होने के बाद तो वो नल को पॉइंट करेगा, उसके बाद जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारा करंट का नेक्स्ट होता था उसको हम अपने नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, उसके बाद हम अपने करंट के नेक्स्ट के अंदर जो हमारी प्रीवियस वाले नोड को जो पॉइंट कर रहा था प्रीवियस, उसको हमने स्टोर करवा लिया करंट के नेक्स्ट के अंदर, डाल दिया उसको, लिंक कर दिया, और उसके बाद हम अपने प्रीवियस और करंट पॉइंटर को अपडेट कर देते थे, और लास्ट में जाके क्योंकि करंट तो नल हो चुका होगा उस टाइम पे, तो हमने अपने प्रीवियस पॉइंटर को रिटर्न करना है, लेकिन हमारी जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है, इसीलिए मैंने टॉप के अंदर डाल दिया प्रीवियस को। अब हमारा रिवर्स लिंक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट टॉप को पॉइंट कर रहा है, और उसके बाद ये है हमारा मेन फंक्शन, तो हमने न्यू स्टैक बना ली, और उसके बाद हमने स्टैक के अंदर पुश ऑपरेशंस लगा दिए 1 2 3 4, हमने अपने वैल्यूज पुश करवा दी, तो उसके बाद हमने डिस्प्ले करवाई ओरिजिनल स्टैक को, उसके बाद हमने हमारे फंक्शन को रिवर्स फंक्शन को हमने अपने कॉल कर दिया स्टैक के लिए, और हमारे पास रिवर्स स्टैक हमारी बन के आ गई। तो अब हम इस कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं, तो हमारी ओरिजिनल स्टैक थी 1 2 3 4, लेकिन वो स्टैक प्रिंट कैसे होती है, स्टैक अपोजिट ऑर्डर में वैसे ही प्रिंट होती है 4 3 2 1, तो हमने अपनी स्टैक को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करके हमारी स्टैक बन गई 4 3 2 1, लेकिन हमारी स्टैक प्रिंट कैसे होती है टॉप टू बॉटम, तो वो हमारी रिवर्स स्टैक प्रिंट होगी 1 2 3 4। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, थैंक यू।